उत्तराखंड में बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार में खाली पड़े मंत्री पदों के भरे जाने पर भी जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनको अगर हम प्यार से सुन लें तो मैं समझता हूँ आज ही संतुष्टि उससे हो जाती है। लेकिन जो छोटे मोटे काम हैं उनको भी हम जल्दी करके उनको संतुष्ट करेंगे। और मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ खड़े हो गए, दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। 2022 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी? 2022 के लिए यही है कि कार्यकर्ता को तैयार करना, कार्यकर्ता पूरे मनोबल से खड़ा हो, ऊर्जा के साथ खड़ा हो, और 2022 में जिसको भी जहाँ टिकट मिले सब एकजुट होकर उसके लिए लगे, यही मेरा प्रयास है। क्या लगता है आप 60 क्रॉस कर पाएंगे? मैंने कहा ना 57 का टारगेट मैंने क्रॉस करना है, 60 का मेरा टारगेट है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिनों के उत्तरकाशी दौरे पर है। अपने धौतरी और गाजना से लेकर के मोरी और हनोल तक हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पूरे तैयारियों के साथ खड़े हैं। और हमारे जनपद में कुल मिलाकर के 11 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। 11 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं जनसभा, कहीं जुलूस और ये सब व्यवस्थाएं की है। पूरे जनपद में ये देखने को मिला है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है।